ये साबित करना चाहते हैं कि मैं क्रिमिनल बैकग्राउंड से हूँ, लगातार झूठे केसेस फाइल कर रहे हैं मेरे पास। एक केस तो फिर हो गया पीछे, मेरा केस पूरा डिस्ट्रॉय होगा सर, एंड बिकॉज दिस केस इज LGNSA लगाई है मेरे पे, मतलब इतना सेंसिटिव मैटर, इसमें सीनियर ऑफिसर DCP रैंक तक के भी इन्वॉल्व है। इफ यू मेक एनी रिक्वेस्ट इन द आर्ग्यूमेंट इटसेल्फ एंड रिक्वेस्ट द कोर्ट टू टेक अदर, आई कांट डू दैट। LGNSA लगाने की आवश्यकता नहीं थी फिर भी लगा दी, और उन्हें ऑलरेडी इसी हाईकोर्ट ने पहले 3 ऑर्डर्स में डिविजन बेंच ने उनको चेतावनी दी थी कि भाई लोगों को सोच समझ के लगाओ LGNSA। पहले आप ये बताइए आपके अगेंस्ट में चार्ज क्या है? 384 एंड 389 है। ऑफेंस नहीं, एलिगेशंस बताइए सर। एलिगेशंस ये है कि सर मतलब मैंने झूठा पत्रकार बन के और उसको धमकाया। वेयर इज द FIR? फाइल की थी बाद में, एक्चुअली डिफेक्ट निकला था तो बाद में फाइल की थी। FIR में क्या लिखा था सर? FIR में लिखा है क्या एलिगेशंस लगाए थे आपने सर? ये एलिगेशंस अवैध रूप से पैसा लेने और पैसे मांगने बाबत ये एलिगेशंस लगाए थे कि मैं उसको ये धमका रहा हूँ ऐसा करके कि मैं पत्रकार हूँ और तुम गांजा बेचते हो, दारू बेचते हो, तो मुझे पैसे दो, मैं तुम पेपर में छाप दूंगा, और तुम्हें कुछ झूठे 2.5 क्विंटल गांजे के केस में फंसा दूँ, ऐसा करके एलिगेशन सर जी। इसमें सर इसमें क्या जांच हुई, पुलिस ने क्या जांच की सर? चार्जशीट फाइल करी उन्होंने। चार्जशीट की कॉपी आपने? हाँ सर, फाइल की है, बट सर एक्चुअली जो दूसरे जो दोनों कनेक्टेड केसेज है ना, उसमें दोनों में फाइल है। इसमें भी आपको फाइल करना पड़ेगा, दीज आर ऑल इंडिपेंडेंट मैटर्स। इन वन मैटर यू आर चैलेंजिंग डिफरेंट थिंग, इन अदर मैटर्स यू आर चैलेंजिंग डिफरेंट। क्वेश्चनिंग वाला मैटर था तो उसमें ऑलरेडी फाइल है, वो एनसीआरटी भी आपको यू शुड हैव फाइल, उसमें फाइल है ना, एनसीआरटी डबल उसमें फाइल है, पर इसमें फाइल नहीं है आपको। सर मैं कर देता हूं सर, फाइल कीजिए इसमें, बिकॉज़ उन्हीं के बेसिस पे यू विल गिव योर आर्गुमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज शीट। यस सर। क्या एविडेंस कलेक्ट हुआ? हां है ना, you are praying for discharge. Yes sir. Ultimate your relief is discharge. Yes yes, yes. Discharge आप किस basis पे argue करोगे? Sir मैं तो charge sheet ये पूरा देखना है मुझे। और charge sheet है नहीं? Sir वो actually उसमें दोनों cases में हाँ और connected matter है, तो इसलिए मैंने application के लिए नहीं डाला। Which petition you are talking about? So 4416 पे आप जो argument कर रहे थे कि ये complaint था और इसके incident के ऊपर FIR registered हुई है। Wait. He is the respondent. He is arguing in 13757. पर जो contents आप argue कर रहे थे, it is the content of FIR prepared by the respondent number 3 in point 1. तो इन्होंने सारी जो पिटिशन लगाई है वो सब पिटिशन में एक जैसी, मतलब इस तरह की रिलीफ है कि एक दूसरे से कनेक्टेड है और सब में किसी ना किसी को रिलीफ मिली थी। यदि इस केस का रिलीफ प्लॉट को केवल देख लेंगे, क्योंकि एक जी साहब जो ट्रायल कोर्ट जज है उनके खिलाफ भी रिलीफ है, रिलीफ है एक एक करके। पहले इन्होंने जो चार्ज फ्रेमिंग का ऑर्डर है उसके अगेंस्ट रिविजन में गए थे, रिविजन डिसमिस हुई, इन्होंने क्वेश्चनमेंट मांगा है ना, उस क्वेश्चनमेंट पे ये आर्ग्यू कर रहे थे, पर इनके पास में चार्जशीट की कॉपी नहीं है। तो क्या आप समय चाहेंगे? सर मैं समय चाहूंगा, बट मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये MCRC 44016 में एक IA लगी पुलिस प्रोटेक्शन की सर, वो पहले इसको कर ले सर। एक्चुअली मैं बहस तो तीनों में साथ में करूंगा, बट इसमें एक IA है, IA 14914 IA नंबर 14914 मेरी प्रोटेक्शन के लिए लगाई है। और सर फर्स्ट हियरिंग थी इसकी लास्ट ईयर नवंबर में, तो सर विजय साहब उसको सुन रहे थे, लेकिन सर उन्होंने बोला कि इसमें बाद में इसको देखेंगे आईआर, लेकिन सर अप्रैल में मेरे खिलाफ एक गलत केस फिर दर्ज करा उन्होंने, स्वाइन स्पेस। वो ये साबित करना चाहते हैं कि मैं क्रिमिनल बैकग्राउंड से हूँ, लगातार झूठे केसेस फाइल कर रहे थे मेरे अगेंस्ट, एक केस तो फिर हो गया पीछे। आईए में आपने रिक्वेस्ट क्या की है पढ़िए सर। इसमें रिलीफ यही है कि इंदौर के पुलिस कमिश्नर को बस इतना डायरेक्शन किया जाए कि उनमें जब भी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है मेरे द्वारा या मेरे परिजन के द्वारा कि कोई ऐसा मैलिशियस प्रोसीडिंग सबॉर्डिनेट पुलिस ने करी है, तो ही शुड बी रिमेन कॉशियस, क्योंकि सर इसमें जो कंटेंट है ना वो क्या कर रहे हैं, व्हेनेवर द FIR इज रजिस्टर्ड दे आर नोटिंग इन द केस डायरी दैट आई हैव कन्फेस्ड,
केस डायरी में मेरा कन्फेशन डाल दे, जबकि मैंने कोई साइन किया नहीं, वो है भी नहीं उनके पास। ऐसे करके यूनिलैटरल इन्वेस्टिगेशंस पे चार्जशीट फाइल कर ली जाए। यू सीम टू बी वेल अवेयर विद द लॉ वेदर कन्फेशन बिफोर पुलिस इज एडमिसिबल। नो, इट इज नॉट एडमिसिबल। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दे आर फाइलिंग द चार्जशीट ऑन द बेसिस ऑफ दिस यूनिलैटरल इन्वेस्टिगेशन एंड द केसेस आर बीइंग फाइल्ड अप अगेंस्ट मी एंड दे आर प्रूविंग मी, दे आर गिविंग माय क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स बेस्ड ऑन सच एफआईआर। सो आई वांट इन प्रोटेक्शन कि वो केस डिस्ट्रॉय करेंगे सर कहीं ना कहीं, और कर ही रहे हैं सर। वो हर जगह बार बार वो चीज लेके आ जाते हैं कि एक केस और रजिस्टर्ड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सर व्हाट एवर यू आर रिक्वेस्टिंग वुड बी अ ब्लैंकेट। सर आई एम नॉट प्रोटेक्ट, ब्लैंकेट आई एम नॉट प्रेइंग फॉर कि मेरे खिलाफ एफआईआर ना हो। प्लीज रीड योर प्रेयर, एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द एप्लीकेंट। पुलिस कमिश्नर शुड इंटरवीन दिस दिस बिकॉज़ व्हाई, बिकॉज़ द सबॉर्डिनेट पुलिस इज डूइंग रॉन्ग। Whenever I am not allowed to reach the superior officer, they are arresting me within less than 24 hours. In this case, they have arrested me less than 24 hours. So I am not allowed to reach the superior officer. एक बात बताइए, can this kind of blanket really be granted? Sir, actually, this is not. Can it be granted कि किसी के भी against कोई criminal prosecution lodge होता है तो police commissioner उसको supervise करें? Sir, because of sensitivity of this matter. Any matter. Any matter whatsoever. Sir, if they will register this case against, my case pura destroy hoga sir. And because this case is RGNSA lagayi hai mere pe, itna sensitive matter, isme senior officer DCP rank tak ke bhi involved hai. ठीक है, तो मैं को अलाउ ही नहीं कर रहे हैं कि अलाउ होने के बाद, but can this kind of blanket relief be granted? Tell me the law. Sir, I'm telling that कि register करने के लिए मैं उनको मना नहीं कर रहा हूँ, मैं मांग नहीं रहा हूँ कोर्ट से, मैं ये भी नहीं चाह रहा हूँ कि मेरी अरेस्ट मत रोको। Application is coming for investigation. They should be cautious. मैं उनको अगर करा वो अगर मुझे भी knowledge में आएगी. I am not allowed to reach the superior officers. कि ऐसा मैं ऐसा नीचे subordinate police करी तो एक case नया और file up हो जाएगा मेरा case. You seek instruction from police commissioner. Lordship. On this, IA what he wished to say. क्योंकि sir इसमें एक case registered किया अप्रैल month में. मैं उसका एफआईआर नंबर बता देता हूँ, उसकी इंडिपेंडेंट सर एक बार वो भी उनको बोलने देखने के लिए, क्योंकि वो भी आपको पता है कि आप हैव यू फाइल्ड एनी आईए इन दिस रेगार्ड। सर मैं इसी में आर्गुमेंट में ही अपना पर छत रहा हूँ कि उन्होंने इसमें क्या करा है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस। देयर विल बी नो एंड टू लिटिगेशन इफ यू मेक एनी रिक्वेस्ट इन द आर्गुमेंट इटसेल्फ एंड रिक्वेस्ट द कोर्ट टू टेक आई कांट डू दैट। तो saying that सर मेरा भी litigation फिर end नहीं होगा, वो इस तरीके से केस बनाते जाएंगे। मैं भी यही request कर रहा था। Planet Council for the State request for grant of adjournment to seek instruction on IA number 44016 of 23 from the Commissioner of Police Indore City. Prayer accepted. और इसमें petition आपकी क्या है 482 की? What relief you wish? Sir, questioning of criminal case and review of IO orders. Actually, sir, during the investigation, IO ने और थाना प्रभारी सामने उसमें जो फर्जी एंट्रियां करी है केस डायरी में, तो 167 आईपीसी केस रजिस्टर करने के लिए तो नीचे से ना पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी ना ट्रायल कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करी। He is claiming compensation of 25 lakh rupees from the police authority. कस्टडी में? हाँ नहीं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। Lordship. A writ of mandamus be issued to respondent number 1 to pay compensation of rupees 25 lakh to the petitioner through an appropriate authority within 2 weeks time. Aur inko lordship isme party implicate kiya hai, wo bhi in person implicate kiya collector sir, first party no, third party fourth party ka bataiye sir, district magistrate ko in person party. Yes sir, because his order was revoked by the central government specifically noting ki NSA lagane ki avashyakta nahi thi fir bhi laga diye, aur unhe already इसी हाई कोर्ट ने पहले 3 ऑर्डर्स में डिवीजन बेंच ने उनको चेतावनी दी थी कि भाई लोगों को सोच समझ के लगाओ, एनएसए ऐसे मत लगाया करो। चौथा केस मेरा है सर, उल्टा सीधा लगा दिया मेरे ऊपर। कंपनसेशन मैंने होम सेक्रेटरी से ही मांगा, स्टेट से ही मांगा, उनको 3 पार्टी इसलिए बनाया कि कभी हाई कोर्ट अगर ये डिसीजन ले कि इस तरीके से अगर वो बिहेव कर रहे हैं कि उनको चेतावनी मिलने के बाद भी लोगों पे एनएसए ऐसे ही लगा देते हैं मन से, तो हो सकता है उनसे भी कंपनसेशन रिकवर किया जा सके। ही इज गिल्टी ऑफ दैट पिटिशनर इन पर्सन सर, इन माय रिक्वेस्ट2024 18th of November